सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने चुनावी बॉन्ड घोटाले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी की मांग को लेकर एक याचिका दायर की है। भोपाल में प्रशांत भूषण ने बताया कि चुनावी बॉन्ड घोटाले में अदालत की निगरानी में एसआईटी के गठन के लिए कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद चुनावी बॉन्ड का डाटा जो सार्वजनिक किया गया उससे संकेत मिलता है कि बॉन्ड्स के माध्यम से बड़े पैमाने पर संभावित लेन देन कंपनियों और राजनीतिक दलों द्वारा किया गया है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड एक गुप्त तरीका था पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देने का, जिसका खुलासा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कराया गया, और जो खुलासा हुआ है उसमें जो सामने आया है इन्फॉर्मेशन वो ये दिखाता है कि अधिकतर इलेक्टोरल बॉन्ड जो 16,500 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर दिए गए उसका अधिकतर पैसा घूस के तौर पर कंपनियों ने उन पार्टियों को दिया जो वो सरकारें चला रही थी, जिनके ज़रिए उन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए या उनके हक में पॉलिसी बदली गई या फिर ईडी आईटी सीबीआई का एक्शन उनके ऊपर चल रहा था उससे हाथ खींच लिया गया, और या फिर ड्रग कंट्रोलर ने उनकी दवाइयों को सबस्टैंडर्ड का करार दिया था या जानलेवा दवाइयां थी उनको चलने दिया गया ये इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए घूस लेकर। सुप्रीम कोर्ट में इंफॉर्मेशन कमीशन्स के ऊपर भी एक केस चल रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट सूचना के अधिकार के लिए कह रहे हैं कि नियुक्तियां होनी चाहिए कमीशन्स में, और ये मांग अब हम लोग ने रखी है कि एसआईटी का भी गठन हो। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।